गुड मॉर्निंग गाइज, सेकेंड डे इन USA, बट आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है हम कि क्या करें, कहाँ जाएं। दो हमें डेफिनेटली न्यूयॉर्क सिटी जाना ही है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आज भी बारिश है। अब अगर हम न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं और कल वाली सिचुएशन हो जाती है कि हमें बारिश में घूमना पड़ेगा, तो ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे और आज का दिन हो जाएगा वेस्ट। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे कल, और कल वैसे भी USA डे है, USA का नेशनल डे है। तो आज हम सोच रहे हैं, एक यहाँ पर ना काइंड ऑफ नेशनल पार्क है, आरती एंड करण बता रहे थे कि वहाँ पर ना स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आती है, मिनी स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग। तो वो सोच रहे हैं कि हम आज कवर कर लेते हैं, और उसके बाद हमने जाना है एडिसन में। एडिसन में हमारे गुरुजी का टेंपल भी है, हम वहाँ टेंपल में एक बार होकर आएंगे, और आज गुरु पूर्णिमा भी है डेफिनेटली, तो वहाँ जाना तो बनता ही है। तो ये दो चीज़ें आज कवर करके फिर रात को आएंगे, मैक्सिमम लोकेशन हम कल कवर कर लेंगे। हाँ जी, हो गया, तुम्हारी देर है अब। ब्लॉगिंग करते हुए देर नहीं लगती ना, बर्तन धोते हुए देर लगती है। हाँ, ब्लॉगिंग तो चपर 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 फटाफट कर देती हो तुम। हाँ जी, चले चलो चलो चलो। गाइस, मैंने कल सॉन्ग सिंग किया था, इंस्टाग्राम पे है, देख क्या अगर नहीं तो अब देखो। अभी कल बारिश हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हुआ हुआ था, बट अभी ना मौसम फिर बड़ा अच्छा हो रहा है। वैसे तो आज भी बारिश है, बट अभी बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आई जस्ट होप कि आज जाएंगे तो घूमने में मज़ा आएगा हमें। ऐसा किस किस के साथ होता है कि जो आपको पहनना होता है नेकलेस, वो पहनने से 5 मिनट पहले इतनी बुरी तरह से अड़ जाता है कि जब तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते नहीं हो उसको छुड़वाते ही रहते हो फिर, है ना। यही हो रहा है आज मेरे साथ, बट ये मैंने नहीं पहना, ये आरती ने पहना है। टारगेट है जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले पहले ये काफ़ी तो छुड़ा दिया यार मैंने, ये छूट छूट जाए। और अगर ये छूट गया ना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे पास घर में इतने सारे नेकलेस ऐसे अड़े हुए पड़े हुए जो एक बार अड़ गए लाइक इट्स ओवर, रख दो। पहुंच गए हम लोग पोकोनोज। हमारे पास ऑप्शंस थे 3-4 अदर देन न्यूयॉर्क सिटी। अगर न्यूयॉर्क सिटी नहीं जाना कि हो सकता है बारिश हो जाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन था अटलांटिक सिटी का, वहाँ पे वो थीम पार्क टाइप है, हर्शलिफ थीम पार्क है, पोकोनोज है, और एक वो एक अमिश विलेज भी था जिसमें मतलब कोई एडवांसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक बहुत ही पुराने इरा के गाँव की तरह रहते हैं। सो आई रियली वॉन्टेड टू सी नेचर, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों नेचर देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है थीम पार्क तो ठीक है यार, बहुत सारे देखे भी हैं और बहुत सारे आगे देखेंगे भी, फिर US आकर US का नेचर एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं एक सीनिक ट्रेन राइड लेने के लिए, और ये करण और आरती बता रहे थे कि इसको आप मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हो, तो आप स्विट्जरलैंड बोलते हैं, चलो बोल नहीं सकते हो, बोलते हैं यार रियल वाला स्विट्जरलैंड तो पता नहीं कब जाएंगे, अभी मिनी स्विट्जरलैंड पे काम चला लेते हैं। सारे सीन्स आपको भी दिखाती हूँ मैं, फिर आप भी बताना कि है मिनी स्विट्जरलैंड की नहीं। ओके, तो ये ट्रेल्स ही बना रखी है यहाँ पे कि यू कैन टेक अ वॉक। ये यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं कैंपिंग ट्रक डालकर अपना, तो मुझे लगता है यहीं रहते होंगे। चलो भाई, मैं ही रह गई हूँ, भागती हूँ उनके साथ। बड़ा क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा टाउन लग रहा है यार ये। तो हम हैं अभी जिम थॉर पेंसिल्वेनिया, इस जगह पर आए हुए हैं भाई हम। तो यहाँ पे सीनिक ट्रेन राइड की टिकट्स मिल रही हैं, और ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आनी है। गर्मी का आलम ये है यार, लोगों ने अपनी शर्ट्स तक उतार दी हैं भाई। अमित, आपको तो गर्मी नहीं लग रही? कल US का नेशनल डे है ना, तो हर जगह पर ये US फ्लैग के प्यारे प्यारे बोव बनाकर लगा रखे हैं, डेकोरेशन ऐसे क्यों। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह ऐसे ये बोव बना रखे है US फ्लैग की। तो ये ऑप्शन है हमारे पास वीकेंड्स पे, बफलो एक्सप्रेस, ब्लैक डायमंड, ले लिमिटेड, जॉर्ज एक्सप्रेस, और ये टाइम है, तो टाइम के हिसाब से ही देखना है। मेरे ख्याल से 3 तो बच्चों का ऑलरेडी, हमें 4:30 वाली ट्रेन मिलेगी, और रेट है क्राउन क्लास कार, एडल्ट 24 एंड चाइल्ड 10। यार देखो यार, टिकट इतनी ब्यूटीफुल है, टिकट्स को संभाल के रखना चाहिए। हाँ, एक एल्बम बनानी चाहिए, उसमें सारी टिकट्स रखनी चाहिए ना। आपको पता है वैसे ना, ये सारे बोलते हैं कि US बहुत सस्ता है, सैलरीज बहुत अच्छी हैं, टैक्सेस बहुत कम है, तो मतलब जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सी, US इज नॉट ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन जिसको मिल जाए उसके लिए अच्छा है। बट एज अ टूरिस्ट जब मैं यहाँ घूम रही हूँ ना US में, तो मुझे US कनाडा से काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। कल हम वो जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की फेरी लेकर गए थे, वो बोट राइड जो थी, वो भी $24 पर एडल्ट थी। अगर आप वहां पर जाते हो, $24 US, ओके, तो मतलब कनाडा के तो और भी ज्यादा हो गए।
और जैसे अब यहाँ पर ये ट्रेन राइड लेने के लिए आया, ये भी $24 पर एडल्ट है। तो जितनी भी अभी तक हमने चीजें ली है ना जहाँ पर एंट्री टिकट है, तो वो सारी एंट्री टिकट मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। एज अ टूरिस्ट तो आई कैन से यूएस इज एक्सपेंसिव देन कैनेडा यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एमी और विवान को एक क्यूटी सा टेडी बेयर मिल गया है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी सबका गला ऐसा सूख रहा था, एवरीवन वाज आस्किंग फॉर वाटर, और पानी रह गया हमारी कार में और कार खड़ी है बहुत ज्यादा दूर। तो अभी यहीं पर हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं, टिकट ऑलरेडी ले चुके हैं 4 o'clock की एंड ट्रेन इज एट 4:30। तो मैंने अभी ये कोक लिया है, यहाँ से लेनी तो थी 2 कोक बट ऑफर चल रहा था इनका $3 for $5। ओह ट्रेन की आवाज़ आ गई यार, मुझे लग रहा है ट्रेन आ गई है, भागते यार फटाफट, पता लगे कि सारे ट्रेन पे चढ़ गए, मैं अकेले रह गया ट्रेन पे चढ़ने के लिए। गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, ये भाई बहुत खुश है। मुझे लगा तुम चले जाओगे ट्रेन पे बैठ कर, हेलो 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 हेलो। जब लोग वापस आए थे ना बहुत खुश थे भाई, इतने हैप्पीली हैंड वेव कर रहे थे, पता नहीं वापस आने की खुशी थी कि बहुत मजे करके आए थे, वो खुशी थी, वो एक्सप्लोर करना है अब जाके हमने। Stop, get a picture. No, that's okay. Thank you. Yo! कहीं भी बैठ जाओ यार। Views are guaranteed, है ना? Interesting story. Thank you. सबको हम भी बाय करें। Bye. वो सारे भी बाय कर रहे हैं ना? Bye bye. 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 बहुत प्यारे हम सब यहीं हैं। The late Sergeant Andrew J. Ticket है हमारे पास। Mere paas to hai. You want to do a try it? May I? Yeah, sure. You want to trade hats? You are sexy. I'll wear yours, you wear mine. टिकट तो थी हमारे पास, हमें लगा नहीं है बट अमित खरीद लाए थे। सुहावने मौसम, सुहावने लोग, रोमांटिक मौसम। अच्छी अच्छी फोटोज आ गई है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ ना सीनरी चली जाती है, मेरी अभी तक एक भी अच्छी फोटो नहीं आई है। पिक्चर अभी बाकी है, क्यों आए आपकी, मैं लगाऊंगा आज इंस्टाग्राम पे, अगर मेरी अच्छी फोटो आएगी तभी लगाऊंगा ना, कोई हमें भी तो बाय करे।
कैसी लगी है स्विट्जरलैंड की जर्नी? मैंने ही स्विट्जरलैंड मतलब स्विट्जरलैंड नहीं बोल सकते, बट ठीक है, अच्छी थी। देखो नेचर था, और वो शुरू में जो ब्रिज आया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब ठीक है यार, टाइम स्पेंड करना होता है, नेचर को अप्रिशिएट करना है, कुछ नई चीज़ देखनी है, तो मेरे को लगता है की जा सकती थी। एक ही टाइम करूँगी, दोबारा नहीं आऊँगी, बट एक टाइम करी जा सकती थी। तो गाइस आज है गुरु पूर्णिमा, आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के दर्शन करना अगर हो सके तो जरूरी होता ही है। तो हम लोग आए एडिसन मंदिर, यहाँ पे हमारे गुरु जी का टेम्पल है। मुझे नहीं पता हम अंदर शूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी एक चेकलिस्ट में था कि अगर यूएस आए और मौका मिला तो गुरु जी के मंदिर में जरूर आएंगे। तो चलो, गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम लोग एडिसन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड पार्ट। चलो जी, गुरु जी के दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए और 3 सब्सक्राइबर्स से मिलना हो गया। मतलब सोचो, मंदिर में जहाँ पर इतनी छोटी सी इंडियन कम्युनिटी थी, वहाँ पे मुझे मेरे 3 सब्सक्राइबर्स मिल गए, इतना अच्छा लगा। वरना मुझे लगता था यार यूएस पे तो कोई मेरी वीडियोस देखता ही नहीं है, किसी ने भी मुझे एक बार भी आके नहीं बोला। और यहाँ पे वैसे 1 सब्सक्राइबर ऐसे मिले जो कहते हैं आप यूट्यूब पे आते हो, आपके वीडियोज देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, कहते नाम क्या आपका? गाइज, आपने मेरे कैनेडा के तो ग्रॉसरी वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। आज हम आए यूएस में ग्रॉसरी करने के लिए, तो हम यहाँ एडिसन मंदिर आए थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा इंडिया बाजार है। और आरती और करण को कुछ अपने घर के लिए ग्रॉसरी करनी थी, तो हमने कहा यार हमें भी दिखा दो यूएस के ग्रॉसरी स्टोर, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर कैसे होते हैं। तो इसका नाम है अपना बाजार फार्मर मार्केट। आपको दिखाती हूँ अपना बाजार फार्मर मार्केट, काफी अच्छा खासा बड़ा लग रहा है यार, बहुत ही ब्राइट ही है सुपर मार्केट। हाँ, बहुत सारे से बल्ब लगा रखे हैं। देखते कैनेडा में इंडियन ग्रॉसरी सस्ती मिलती है कि यहाँ पे मिलती है, चेक करते हैं। अबे क्या आपको यहाँ पे 259 का है? अब मुझे नहीं पता वहाँ कितने का था, छोड़ दो इसको। नहीं मैं यार, अभी यहाँ अब तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कनाडा में कितने का मिलता है, तो कोई याद नहीं है। मैगी जरूर याद है कितने की मिलती है, 49 सेंट्स की मिलती है वहाँ पे। 39 की 341 $341 यार, एक बार बताओ वही रेट होगा कनाडा वाला? हाँ सेम रेट ही है। मैंगो ले ले? नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेंसी तो महंगी है ना। हाँ यहाँ महंगा हो गया फिर, मैगी महंगी हो गया फिर। ये आपके यहाँ मैगी महंगी मिलती है, हमारे कनाडा में सस्ती मिलती है। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी $1 की 3 मिलती है, आपके यहाँ भी $1 की 3 मिल रही है, क्या फायदा हुआ? तुम जब करेंसी महंगी है, तुम लोग जब कनाडा आओ ना तुम्हें बैग भर के देंगे मैगी का। नहीं, हमारी होलसेल में आ जाती है। अच्छा, अब ये देखो यार, ये कोई आरकेजे देसी घी है जो 800 ग्राम मिल रहा है $17 का। वहाँ पे 1 किलो जो है ना वो $18 से $20 के बीच का आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो। तो अब ये $16.99 है, तो मैं तो कहूँगी भाई देसी घी भी महंगा है यार। बहुत ही बड़ा स्टोर है भाई ये, बहुत बड़ा इंडियन बाजार है, सब कुछ मिल रहा है क्या? मतलब मुझे लगता है इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे कि चाहे अब यूएस हो या कनाडा हो, भाई इंडियन सामान इंडिया से भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। ये देखो यार, पूजा का भी सामान मिल रहा है। हमारे वहाँ के इंडिया बाज़ार में इस तरह की डेकोरेशंस नहीं मिलती हैं, मिलती है वहाँ पूजा हट वगैरह बहुत सारी हैं, पूजा हट में मिलते हैं, बट यहाँ पर तो ग्रॉसरी स्टोर में इस तरह की डेकोरेशंस मिल रही हैं। ये शायद मुझे पता होगा, ये पानीपुरी से पता चल जाएगा कितने का ये। तो ये है 8.99 का, ये भी महंगा ही है यार। वहाँ पे मेरे ख्याल से ये इतने के मिलता होगा, $9.99 कैनेडियन डॉलर का। आर यू श्योर यू डिडंट डू दिस? ध्यान से शिल्पा, अबे देसी घी महंगा यहाँ पे, 800 ग्राम है $17 का। पानीपुरी भी महंगी है, एक दाल यहाँ पे सस्ती है, काफी सस्ती है दाल। तो मतलब कुछ चीजें सस्ती हैं, कुछ चीजें महंगी हैं, बैलेंस कर रखा है इन्होंने। आधी चीजें यहाँ पे लेने आया, दाल सस्ती है यार यहाँ पे। ऐसा कुछ ढूंढे जो कनाडा में नहीं मिलता और यहाँ मिलता है।
ढूंढो। एक चीज मुझे पता है क्या, ये तो मैंने इंडिया में भी बहुत टाइम से नहीं देखी, पेप्सोडेंट। ये बहुत पहले आया करता था। नहीं यार इंडिया में मिलती होगी, हमें समझ पता। अरे ये कोलगेट का दंत मंजन, ये नहीं देखा मैंने कभी वहां पे। पॉन्स के पाउडर, किसके पॉन्स, ये वाले टेलकम पाउडर जो हम सिर्फ कैरम बोर्ड पे लगाने का काम आता है, ये वाले। पर यार एक बात बताऊं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी भाई। बहुत लंबी है यार ये, दोनों साइड से इतनी फैली हुई है। मैं तो वही बोल रही हूँ कि चाहे यूएसओ चाहे कनाडा हो, इंडिया से किसी को भी कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इतना सामान इंडिया में नहीं मिलता होगा क्योंकि इंडिया से सारा एक्सपोर्ट होकर यहाँ यूएस कनाडा में ही आ जाता है। ये पता क्या है, यहाँ से पता चल जाएगा क्या है, पॉपकॉर्न कहाँ मिलते हैं। पॉपकॉर्न वाली शॉप पे, पॉपकॉर्न वाली शॉप पे। और पॉपकॉर्न की शॉप आजकल कहाँ मिलती है, सिनेमा हॉल। या वैसे लग नहीं रहा सिनेमा हॉल, हम यहाँ पर आए हैं कैरी ऑन जट्टा देखने, आदि पुरुष बिल्कुल भी नहीं। सीधा घुस के हम माय गॉड कहीं पे बैठ जाए। हाँ कहीं भी बैठ, यार सीटें देखो यार हमें। पर ये देखो ना कहीं पे भी बैठ जाओ, कोई सीट नंबर नहीं है। सॉरी In case of fire, look for the nearest exit sign. चुप कर शिल्पा, चुप कर, शुभ शुभ बोल। एमी कहीं पर ही बैठ जाओ बेटा। यार ये क्या है करण? ये मुझे नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पे, वो तो ऑनलाइन चक्की है। पहला एक्सपीरियंस हमारा यूएस से मूवी देखने का खराब कर दिया आपने। यार हम ना यहाँ पर इसी एरिया में थे और बच्चों का मन कर गया मूवी देखने का, तो हमने नियरेस्ट चेक किया, बिग सिनेमा दिखा रहा था, यहीं पर ही आ गए। यहाँ आके हमें पता चला कि दुकानें होंगी यहाँ पे चल नहीं रही होंगी, तो उन्होंने ना एक प्रोजेक्टर लगाकर सिनेमा हॉल बना दिया है। तो मतलब ऐसा है ना, तो कोई सीट नंबर है। और हमारे साथ जो लोग अंदर घुस रहे थे वो कह रहे थे उसको टिकट चेकर को, यार आज एक भी चला दियो। Hey guys, आपको मेरी US सीरीज कैसे लग रही है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अभी एक दो वीडियोस और हैं US सीरीज के जिसमें आपको न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर लेकर जाएंगे, न्यूयॉर्क घुमाएंगे पूरा और भी बहुत कुछ है। बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ मैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितने दिन हो गए ऐसे वन ऑन वन बात किए हुए। कनाडा हम लोग वापस आ गए हैं और कनाडा आने के बाद कौन हमारे घर पे आया था, हम लोग कहाँ घूमने के लिए गए थे, तीन चार दिन से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज फैमिली आई हुई थी और उनके साथ हम लोग बिजी थे। व्लॉग्स भी शूट किए जो यूएस सीरीज खत्म होने के बाद आएगी चैनल पे, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। और मैं गैप लेकर ही डालने वाली हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगी। आई एम सॉरी जो इतने लंबे गैप हुए, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट किया, थैंक यू सो मच। और अब जल्दी से पेंडिंग बर्थडे शॉर्टआउट्स दे देते हैं। दो बर्थडे शॉर्टआउट है जुलाई 5th के, एक तो अभिषेक की वाइफ झरना और एक इलेन फर्नांडेस, आप दोनों को विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सैदा सिद्रा जो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत कमेंट्स करती है इंस्टाग्राम पर भी, उनसे चैट करती है, उनके दो बेटे हैं नुमान एंड अफान, उन दोनों का बर्थडे था। नुमान का बर्थडे July 3rd और अफान का बर्थडे July 8th। सिद्रा के दोनों बेटों को भी विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चर्चा फैमिली की तरफ से। गाइस आई रियली वॉन्ट योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स ऑन द वीडियोज, इट हेल्प्स मी मेकिंग मोर वीडियोज, इट मोटिवेट्स मी। तो चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।